हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे, लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ एक हांग असेंबली रहे और यहाँ गवर्नर रूल जो है वो कायम रहे। उनकी ये कोशिश है कि यहाँ किसी ना किसी तरह कोई जो क्लियर रिजल्ट ना आए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि ना हमने तो इलेक्शन कराए, अब अगर यहाँ किसी को मैंडेट नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या खता है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को आदत है, वो मतलब अजीब अंदाज में तकरीर करती हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो पहले मैं इस चीज का याद दिलाऊं कि हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे, लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। हम एनडीए में रह के भी हमने जम्मू की पार्लियामेंट सीट जो है बीजेपी से छीनी थी, हमने उनको जम्मू का पार्लियामेंट सीट जीतने नहीं दिया। कश्मीर तो दूर की बात, बीजेपी को लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। बदकिस्मती से महबूबा मुफ्ती को बजाय ये कि वो लोगों से 2014-15 की माफी मांगे, वो अपने गुनाहों को जो है वो हमारे जिम्मे ठहराने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट के नतीजे शायद उनको अभी तक भूले नहीं। वजीर आजम साहब को अब जम्मू कश्मीर आके कोई नई बात करनी चाहिए। लोग अब ये तीन खानदान सुन के थक गए हैं। कोई तो नया डायलॉग आए, कोई नई बात हो, कोई ऐसी बात जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक रहे। ये तीन खानदान जो है ये हर इलेक्शन में सुनते हैं, लोग भी अब इन बातों को सुन के थक गए हैं। सर, जैसे इंडिपेंडेंस की एंट्री है या जमात कैंडिडेट्स है, डू यू हैव अप्रिहेंशंस ऑफ अ हांग असेंबली हियर? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जो वोटर है वो इससे कहीं गुना ज्यादा समझदार है। बीजेपी की कोशिश है कि यहाँ एक हांग असेंबली रहे और यहाँ गवर्नर रूल जो है वो कायम रहे। उनकी ये कोशिश है कि यहाँ किसी ना किसी तरह कोई जो क्लियर रिजल्ट ना आए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को कहे कि ना हमने तो इलेक्शन कराए, अब अगर यहाँ किसी को मैंडेट नहीं मिला तो इसमें हमारी क्या खता है, और वो यहाँ गवर्नर रूल को जो है हमेशा के लिए जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस साजिश को समझ गए हैं और वो इस साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.